दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान ग्लैम की दुनिया में। आज का राशिफल कैसा रहने वाला है सभी राशियों के लिए, आइए जानते हैं। मेष राशि, कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना का प्रारूप अवश्य बनाएं। इससे आप किसी प्रकार की गलती करने से बचेंगे। अगर घर के रखरखाव या मरम्मत संबंधी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इन कार्यों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। ननिहाल के साथ संबंधों में किसी प्रकार के विवाद जैसी स्थिति हो सकती है। अपने स्वभाव को सहज तथा संयमित बनाकर रखें। बाहरी गतिविधियों में समय व्यतीत होगा परंतु इसका कोई उचित परिणाम हासिल नहीं होगा, जिसकी वजह से मन खिन्न रहेगा। व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी। इस समय तरक्की के बेहतरीन अवसर बने हुए हैं, इसलिए अपने कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा रखें। नौकरी पेशा लोगों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। पति पत्नी के संबंधों में ईगो की वजह से कुछ दूरियां आएंगी, जिसका असर घर के वातावरण को भी खराब कर सकता है। प्रेम संबंध रोमांटिक तथा खुशनुमा रहेंगे। वृष राशि, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों को व्यवस्थित रखने के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे और इसमें कामयाब भी रहेंगे। आप में और अधिक आत्मविश्वास जागृत होगा। विद्यार्थियों का मन अपनी शिक्षा के प्रति पूरी तरह एकाग्रचित रहेगा। ध्यान रखें कि कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है, जिसकी वजह से नजदीकी किसी व्यक्ति से संबंधों में कटुता आएगी। आपका बहुत अधिक अनुशासित होना भी कभी कभी पारिवारिक लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेगा। अपने व्यवहार में लचीलापन बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में आज आपकी उपस्थिति होना अति आवश्यक है, क्योंकि कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से व्यवस्था बिगड़ सकती है। सरकारी या प्राइवेट कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग व सलाह आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। प्रेम संबंधों में मर्यादा का अवश्य ध्यान रखें। मिथुन राशि, आपका योजनाबद्ध तरीके से अपनी दिनचर्या व कार्यों को व्यवस्थित रखना आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता रखेगा। कोई रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, जिसकी वजह से आर्थिक समस्याओं से राहत मिलेगी। बच्चों की भावनाओं को समझते हुए उनकी गतिविधियों में भी अपना सहयोग अवश्य दें। किसी संबंधी के हस्तक्षेप की वजह से आपके कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। बेहतर होगा कि दूसरों की अपेक्षा अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के प्रति लापरवाही बरतना उनके रिजल्ट को खराब कर सकता है। अगर नए व्यवसाय को शुरू करना अथवा वर्तमान व्यवसाय के विस्तार संबंधी कुछ योजनाएं बना रहे हैं तो समय बहुत ही अनुकूल है। आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। बस अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करते चलें। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए आज का दिन कुछ खास उपलब्धि देने वाला है। घर के सभी सदस्यों का आपसी सामंजस्य मधुर बना रहेगा। प्रेम संबंधों में मनमुटाव तथा दूरी आने जैसी स्थिति बन रही है। कर्क राशि, कुछ विपरीत परिस्थितियां सामने आएंगी परंतु आप उनका सामना करने में सक्षम रहेंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले उनकी रूपरेखा अवश्य बनाएं। आज आपको कोई विशेष उपलब्धि भी हासिल होगी। निजी संपर्कों के माध्यम से कोई व्यक्तिगत काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे, परंतु इस वक्त ग्रहों की चाल कुछ विपरीत परिणाम भी देगी। इनकम टैक्स से संबंधित कोई झंझट खड़ा हो सकता है, इसलिए इन कार्यों को तुरंत ही निपटाने का प्रयास करें। उच्च शिक्षा हेतु विद्यार्थियों को किसी प्रकार का व्यवधान आ सकता है। मंदी होने के बावजूद कारोबार में लाभदायक स्थितियां रहेंगी, परंतु नौकरी में सहकर्मी जलन की भावना से आपके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकते हैं, इसलिए बहुत अधिक सावधान रहें। इस समय किसी भी व्यवसायिक गतिविधि में निवेश ना करें। पति पत्नी के संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मानसिक सुकून व खुशी होगी। सिंह राशि, आज आध्यात्मिक तथा धार्मिक कार्यों में सुखद समय व्यतीत होगा। घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से मनोरंजन और खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। अगर स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं तो उस पर गंभीरता से कार्य करें, समय अनुकूल है। अपने ऊपर आलस को हावी ना होने दें तथा अत्यधिक सोच विचार करने में भी समय न लगाएं। इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्यक्षमता पर पड़ सकता है।
साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपकी योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी किसी को न दें। व्यावसायिक गतिविधियों में अपना ध्यान दें, क्योंकि यह समय उपलब्धियों वाला है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ उचित तालमेल बनाए रखने से आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज रखें। विपरीत लिंगी लोगों से मिलते समय दूरी बनाकर रखना जरूरी है। कन्या राशि, आपने किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में किसी नजदीकी व्यक्ति या विशेषज्ञ की सलाह मशवरा अवश्य करें, आपको उच्च सलाह मिलेगी। इस समय ग्रह स्थितियां आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन ला रही हैं, परंतु समय का सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर भी निर्भर करता है। अपने व्यक्तिगत कार्य में व्यस्तता के कारण अपने रिश्तेदारों व संबंधियों को नजरअंदाज न करें। कभी कभी आपकी ईगो व गुस्सा आपको बनते कार्यों में परेशानी उत्पन्न कर देता है। संतान की संगति व गतिविधियों पर भी नजर अवश्य रखें। कार्य क्षेत्र में किसी भी काम को आलस की वजह से कल पर न टालें, बल्कि समय पर ही पूर्ण करने का प्रयास करें। अपने महत्वपूर्ण पेपर या फाइलों को सुव्यवस्थित व कंप्लीट रखें, क्योंकि किसी प्रकार की कार्रवाई होने की आशंका बन रही है। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा करेंगी तथा मन प्रफुल्लित रहेगा। तुला राशि, समय चुनौतीपूर्ण है, परंतु आप अपनी प्रतिभा व कार्य क्षमता द्वारा हर परिस्थिति का सामना करने में समर्थ रहेंगे। स्वयं का विकास करने के लिए स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना जरूरी है। पठन पाठन तथा लेखन में भी मन मुताबिक समय व्यतीत होगा। आर्थिक मामलों में बजट पर खास ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी लगाएं तथा रुचिपूर्ण कार्यों में कुछ समय व्यतीत करने से सकारात्मकता आएगी। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे, परंतु अपने पार्टनर अथवा कर्मचारियों की गतिविधियां और कार्यकलाप को नजरअंदाज न करें। कामकाज को लेकर की गई कोई यात्रा लाभदायक रहेगी। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद घर परिवार को प्राथमिकता देना घर का वातावरण मधुर बनाकर रखेगी। प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपना समय व्यर्थ न करें। वृश्चिक राशि, आज आपकी सफलता का कोई द्वार खुलने वाला है। पिछले काफी समय से जो चिंता चल रही थी वह दूर होगी। लाभ प्राप्ति के साथ साथ उत्साह व ऊर्जा का भी संचार होगा। किसी दीर्घकालीन योजना पर भी काम शुरू हो सकता है। आपके अपने नजदीकी लोग ही आपके लिए रुकावट व अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। कामकाज व पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौती रहेगी। कोई बड़ी डील या ऑर्डर मिलने के योग हैं, परंतु राजकीय सेवारत लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी रखें। किसी प्रकार की मानहानि होने की आशंका बन रही है। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आपको सौंपा जा सकता है, जो कि आपके लिए तरक्कीदायक रहेगा। आपका उदारवादी नजरिया घर परिवार में बेहद सामंजस्य बनाकर रखेगा तथा पारिवारिक सुख शांति उत्तम बनी रहेगी। धनु राशि, आज भविष्य संबंधी योजना को लेकर कोई महत्वपूर्ण नीति बनाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्य तारीफ के काबिल रहेंगे। कामकाज में व्यस्तता के अलावा परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती व मनोरंजन में भी समय व्यतीत होगा। कानूनी तथा सरकारी मामलों में लापरवाही ना करें। बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। इस समय संबंधियों से किसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद करना गलत है, बल्कि आप अपने कार्य क्षमता पर ही विश्वास करके कोई हल निकाल सकते हैं। व्यवसाय में विस्तार की योजना पर काम शुरू होगा। किसी नई तकनीक आदि के प्रयोग संबंधी कार्य प्रणाली पर विचार विमर्श भी होगा। ऑफिस में माहौल और परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। कोई नई उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। पति पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर के किसी समस्या का हल निकालने में समर्थ रहेंगे। प्रेम प्रसंगों में किसी प्रकार की गलत फहमी से खटास उत्पन्न हो सकती है। मकर राशि, आज आप अधिकतर समय घर पर व्यतीत करने का प्रयास करेंगे तथा घर की साफ सफाई
तथा सुधार संबंधी कार्यों में भी व्यवस्थता रहेगी। अपने परिवार के साथ मिल बैठकर अनुभव साझा करना आपको खुशी देगा। विद्यार्थियों को किसी विभागीय या नौकरी संबंधी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। किसी भी मुद्दे पर बातचीत करते समय गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, अन्यथा कोई आपकी इन बातों से आहत हो सकता है। कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें, क्योंकि अनुभव की कमी से कार्य अधूरे रह सकते हैं। व्यापारिक गतिविधियां संबंधी लिए गए निर्णय में शुरुआत में दिक्कतें या परेशानी आएंगी, जिनकी वजह से अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा, परंतु प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी ध्यान केंद्रित करें। नौकरी में आपकी उचित कार्य क्षमता की वजह से बोनस मिल सकता है। पति पत्नी के बीच किसी बात पर खट्टी मीठी नोकझोंक रहेगी, परंतु संबंध मधुर बने रहेंगे। पारिवारिक वातावरण भी खुशनुमा रहेगा। कुंभ राशि, ज्ञानवर्धक समय है। नई नई बातों की जानकारियां प्राप्त होंगी। कोशिश करने पर मनचाहे कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं। आपकी संवेदनशीलता घर परिवार की व्यवस्थता को उचित बनाए रखेगी। बच्चे भी आपकी काबिलियत को लेकर फक्र महसूस करेंगे। इस समय सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों से कुछ दूरी बनाकर रखें। किसी प्रकार की बदनामी आपके सिर पर पड़ सकती है। व्यर्थ की उलझनों में पड़कर अपने समय बर्बाद ना करें। कुल मिलाकर समय सामान्य परिणाम देने वाला है। नेटवर्किंग तथा सेल संबंधी कार्यों में लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी कार्य में विशेष रूप से सफलता मिलेगी। इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि से संबंधी कोई झंझट खड़ा हो सकता है। अपने हिसाब किताब में पारदर्शिता रखें। विपरीत परिस्थितियों में आपको जीवनसाथी व परिवारजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंगों में निराशा का मुंह देखना पड़ सकता है। मीन राशि, आज समय अनुकूल है। हालांकि परिश्रम और मेहनत की अधिकता रहेगी, परंतु आप अपने व्यवहार कुशलता द्वारा सभी कार्यों को उचित रूप से हल करने में सक्षम भी रहेंगे। कोई राजकीय कार्य पूर्ण होगा। आंतरिक प्रसन्नता बनी रहेगी। कभी कभी घर के सदस्यों के बीच वैचारिक विरोध होने से आपके काम में गतिरोध आ सकता है। किसी विशेष मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले बहुत अधिक सोच विचार वह जांच पड़ताल कर लेने की जरूरत है। अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें। व्यापार में आपकी लापरवाही व उदारता आपके लिए नुकसान का कारण बनेगी। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में उचित लाभ मिलने की संभावना है। शेयर तथा तेज मंदी जैसे कार्यों से ताल्लुक रखने वाले लोग सावधानी से काम करें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, परंतु घर के मामलों में किसी भारी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। तो मित्रों, ये था आज का राशिफल। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।